देखिए दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल को स्टॉक करा हुआ है। रात में जब मटेरियल ख़त्म हो गया प्लांट में, तो जेसीबी द्वारा दोबारा से मटेरियल की फीडिंग कराई जा रही है। ये जेसीबी द्वारा यहाँ पे 10 mm के भी फीडिंग चल रही है। इस प्रकार से इस हॉपर में गया और इसी कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ये सीधे सीधे इन हॉपरों में पहुँच जाएगा। इसके बाद इन हॉपरों से इस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से नीचे इस बकेट तक मटेरियल पहुंचता है। देख सकते हो कि अभी कंक्रीट का प्रोडक्शन चल रहा है, जो कि इन जो भी ग्रेड का कंक्रीट होगा हमारा, वो इन हॉपरों के मदद से कन्वेयर बेल्ट तक पहुंच गया। और कन्वेयर बेल्ट से ये कंक्रीट हमारे इस बकेट तक पहुंचेगी। ये देख सकते हो दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। इस प्रकार से हमारा वेट होके मटेरियल इस कन्वेयर बेल्ट में इस बकेट में गिर गया है। अब दोस्तों देख सकते हो कि ये रोप की सहायता से ये ऊपर मिक्सर तक पहुंचेगा। और यहाँ पे मिक्सर लगा रहता है, जो कि ठीक इस जगह पर मिक्सिंग होके लगभग 30 से 40 सेकंड का मिक्सिंग टाइम होता है और ये ट्रांजिट मिक्सर में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा बैचिंग प्लांट पूरा काम करता है। तो दोस्तों ये मिक्सिंग चैम्बर है, इसमें कंक्रीट मिक्स होता है। दोस्तों ये सीमेंट के सिलो है, जिनकी सहायता से इनमें सीमेंट भरा हुआ रहता है और यहीं से इस मिक्सर तक सीमेंट पहुंचता है, इन हॉपरों से एग्रीगेट पहुंचता है। और आपको दोस्तों यहाँ पे दो वाइट कलर के जार टाइप के दिख रहे होंगे, इनमें एडमिक्सर रहता है और ये भी इसी मिक्सर तक पहुंचता है। सारा कंक्रीट मिक्स हो के यह ट्रांजिट मिक्सर तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों कंक्रीट मिक्सर में पहुंचने के बाद प्लांट में ही स्लंप लिया जाता है और स्लंप लेने के बाद जो कंक्रीट की गाड़ी होती है उसको डिस्पैच किया जाता है। आज ये कंक्रीट लोड होके